नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। और आज थंबनेल से आपको सभी को पता चल गया होगा कि खान सर का मैथ का सेट नंबर कौन करने वाले हैं, आज 16 करने वाले हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 आप देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सा है। देखिए जब भी रूट की बात की जाए और परिमेय संख्या पूछा जाए तो जो रूट से बाहर निकल जाए वही परिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन आप ए देखिए, यहाँ पे घन है ये 2 - 2, ऑप्शन बी है ये √8, यहाँ पे घन क्या है 3 है, माइनस क्या है 2 है। ऑप्शन सी देखिए इस तरीके से +4 और ऑप्शन डी देखिए इस तरीके से है ऑप्शन डी। अब देखिए इन सभी में से ये 2 है, 3 पे 1 निकलता है तो ये निकलने वाला नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। ये देखिए ये निकल सकता है √8 है, यहाँ पे क्यूबिक है तो हम कह सकते हैं ये 2 × 2 × 2 होता है, यानी कि 3 पे 1 निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो निकल गया। 4 नहीं निकलेगा, 12 भी नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि x के 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक जो है 0.80000 को, तो x का अंतराल क्या हो जाएगा, x का अंतराल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए x का अंतराल का मतलब 5 दशमलव स्थानों तक लेना है, जब 5 दशमलव स्थानों तक लेना है तो ये ऑप्शन आप सी जो देखेंगे ना, ऑप्शन सी जो कह रहा है 0.799995 लेस देन x जो है इक्वल टू लेस देन 0. ये आपका इतना स्थान तक आ जाएगा तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है, यानी कि वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब देखिए ये इसका हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल यही यानी कि रूट में ले लेंगे। अब देखिए जब हम इसको गौर से देखेंगे तो 3 के पावर 34 है, 3 के पावर 35 है। एक चीज आप याद रखिएगा, a^n × a^n होता है तो a^m+n होता है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल होता है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अगर हम यहाँ से 3 के पावर 34 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। रुकिए थोड़ा मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। 3 के पावर 34 तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ 3 के पावर 34 है, यहाँ 3 के पावर 35 है, तो अगर मान लीजिए 3 के पावर 34 + 3 के पावर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 35 ही होगा। बात को समझिएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात को समझ गए। अब देखिए 3 के पावर यहाँ पे क्या आ गया, 3 के पावर 34 × 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ 3 के पावर 34 है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 17 × 3 के पावर 17, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि a^m × a^n बराबर क्या होता है a^m+n, तो 3 के पावर 17 + 3 के पावर 17 यानी कि 3 के पावर 34 हो जाएगा। यहाँ बेझिझक लिख देंगे 3 के पावर 17 × 3 के पावर 17, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अब यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 3 के पावर 17 × 2, यही क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल हो जाएगा 3 के पावर 17 × 2 × 3 के पावर 17, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि यहाँ पे क्यूब में क्या है 3 है, अंदर क्या है रूट में 0.00216 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2, 2, 4, 2, 6 स्थान,
यानी कि छह स्थान पे है, तो अंदर क्या निकल के बाहर आना चाहिए? जब आप देखेंगे ना ये क्या होता है, छह का क्यूब कितना होता है, छह का क्यूब होता है 216। बात समझिएगा, ये 216 यानी कि हमको दिख गया कि छह तो यहाँ होना चाहिए। जब छह होना चाहिए, तीन बात है, तीन बार तक निकलना चाहिए, तो 0.06 इसका क्या हो जाएगा, 0.06 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6, 10, 16 बचे। यानी कि 8 में से 6 बचता है, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 माइनस 10 यानी कि 2 हो जाएगा, साथ ही साथ 18 माइनस 16 यानी कि 2 हो जाएगा। दोनों सभी का अंतर क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 8, 12, 18 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, 8, 12, 18 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि 8, 12, 18 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आ गया। लेकिन शेष क्या, देखिए अंतर कितना था सबका, 2, तो 72 में से 2 माइनस कर देंगे यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, एक पूर्णांक 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत हो जाएगा। एक पूर्णांक 1/2 दिन यानी कि 3/1 दिन और आधा दिन। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है, ठीक है, प्लस आधा दिन में कितना घंटा हो जाएगा, तो 12 दिन, यानी ये टोटल कितना हो गया, 36 घंटा। अब 36 घंटा को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये आपका 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि 0 6 36 6, हाथ में 3, 36 18 216 2160 मिनट हो जाएगा। डेढ़ दिन में कितना हो जाएगा, 2160 मिनट। अब हमसे कह रहा है कि 15 मिनट कितना इसका प्रतिशत होगा, तो 15 मिनट 2160 का कितना प्रतिशत होगा, तो 100 से गुणा करेंगे, 10 से 10 कट गया, 3 7 21 3 2 6 72, 3 5 15, 2 से काट दीजिए, ये आपका 36 हो जाएगा 2 से, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 25/36 कितना आ गया, 25/36% होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, एक दिन में, एक डे में कितना घंटा होता है जी, तो 24 घंटा होता है। तो 6 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 6 जो 24 400 उतार दीजिए, यानी कि 25% हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए, एक दिन में 24 घंटा होता है, अगर 6 घंटा हो, 6 जो 24 यानी कि 1/4 हिस्सा होगा, यानी कि 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। देखिए 12% हानि पे बेचा गया, अगर 2% लाभ पर बेचा जाता तो ये किसके बराबर होता है, 49 रुपये अधिक मूल्य होता है। यानी कि 12% हानि, 2% लाभ, कितना का अंतर है, तो 14% का वैल्यू अगर 49 रुपये है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 49/14, इसीलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 14 7 7 49, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 7 5 35, 350 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि रीमा 75,000 रुपये में कार खरीदती है, वह इसके रिपेयरिंग पर 10,000 रुपया खर्च करती है, बाद में उसने यह कार चिरू को 15% के लाभ पर बेच दिया, चिरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया, रितु ने कार खरीदने के लिए कितने राशि खर्च की। 75,000 कौन है, रीमा है, रीमा जो है 75,000 रुपया कार खरीदती है, रिपेयरिंग पे कितना लगाती है, तो 10,000 रुपया रिपेयरिंग पे लगाती है। यानी कि अगर रीमा का कॉस्ट देखा जाए तो रीमा का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 85,000 रुपया रीमा का कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि रिपेयरिंग कॉस्ट भी तो आएगा।
उसके बाद कह रहे हैं उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पे बेच दिया। अब एक चीरू है इसको 15% लाभ पर बेच दिए हैं, यानी कि 85,000 का 15% कितना हो जाएगा, 115/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए। अब 115 को 85 से गुना कीजिए, चलिए कर लेते हैं। 115 को 85 से गुना करेंगे, 25 के पाँच हाथ में दो, पाँच एगम पाँच दो सात, पाँच एगम पाँच आठ, में 40 के जीरो हाथ में चार, आठ एगम आठ चार, बारह के दो हाथ में एक, आठ एगम आठ एक नौ, पाँच सात सात, यानी कि 97,750 रुपये में ये चीरू को बेच दी। अब चीरू भी चलाक निकली। चीरू क्या करती है कि ये चीरू जो है रितु को बेच देती है। अब चीरू का ये तो कॉस्ट प्राइस चीरू का हो गया ना। अब चीरू जो है 97,750 रुपया खरीद के 10% लाभ पर रितु को बेचती है, तो ये कितना में बेचेगी, 110/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए। अब ये इसका चीरू इसका कितना कॉस्ट प्राइस आ गया, तो इसका आ जाएगा 97,75,779। सात पाँच बारह के दो हाथ में एक एक, सात एक आठ, और सात पंद्रह पाँच हाथ में एक नौ, दस और सत्रह के सात हाथ में एक नौ एक दस, यानी कि 101,07,525 रुपया में रितु को खर्चा पड़ेगा। 101,07,525 रुपया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 से, जो कि इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था, यानी कि पिछले वर्ष, अब देखिए अभी कितना है, 32,450 रुपया है, पिछले से कितना कम है, 12% कम है, यानी कि 100/100 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसको आप 4 से काट दीजिए तो 22 बार में कट जाएगा, 4 से ये आपका 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से अगर काटें तो 2 से कट जाएगा 11 बार में, 2 से ये कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ये आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 16,225 में। अब 16,225 को 6 एक 7, 2 9, 2 11, 5 16, 11 से 16,225 को 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 6 में से 1 गया 5, 52, 11 चौक 44, 12 में से 4 गया 8, 82, 11 सते 77, 12 में 7 के 5, 11 5 75, 1475 को अगर हम 25 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हाथ में 3, 5 के 20 23 के 3 हाथ में 2, 5 में 5 2 7, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 2 6 के 8 1 9, 2 कम 2, यानी 5 7 5 3 8, 9 7 16 6 हाथ में 1 2 1 3, यानी कि 36,875 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का जो अनुपात है वो 5:0। लवण और अम्ल का जो अनुपात है वो आपका है 5:7। यदि कुल मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार क्या हो जाएगा, अम्ल का भार क्या हो रहा है, टोटल कितना अनुपात हो गया, 12:1 का वैल्यू 360 ग्राम दिया है, तो 1:1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। तो हमसे कह रहा है लवण का कितना हो जाएगा, तो 30 गुना कर देंगे 7×3=21, यानी कि 210 ग्राम क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। ये सब रुपया के सिक्के हैं, 2:3:5 में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यानी अब देखिए इसे रुपया में देखा जाए तो इसे 1/2 रुपया लिख सकते हैं, ये 1:5 में कितना है, 2:3:5। अगर इसे हम 2x, इसको 3x, इसको 5x लिख दें तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 3x और ये आपका क्या हो जाएगा 25x का मान क्या हो जाएगा, 216 रुपये। टोटल रकम कितना है,
3, 4, 25, 4, 19 x का वैल्यू अगर 116 रुपया है तो x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 4। जब x का वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए 50 पैसा यानी कि 50 पैसा के कितना हो जाएंगे, 8 सिक्के होंगे। 50 पैसा के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अंठावन कहता है कि प्रेबंद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर हमने कहा कि रितिका के आयु को हमने x वर्ष मान लिया, ठीक है, तो प्रेबंद की आयु क्या हो जाएगा, प्रेबंद की आयु इसकी दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। रितिका की आयु से दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। अब प्रश्न कह रहा है कि आज से 16 वर्षों के बाद प्रियंद की आयु रितिका की आयु से 150% होगी, तो वर्तमान में प्रियंद की आयु क्या हो जाएगी। अब कह रहा है प्रश्न में कि आज से 16 वर्ष बाद प्रियंद की आयु जो होगी वो रितिका की आयु की 150% 16 वर्ष बाद यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16, ये कितना हो जाएगी, 150%। 150% को हम 150/100 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट 150/100 जो कि इसका भी उम्र क्या हो जाएगी, 2x + 5 + 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 × 150 = 50 × 100। इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 16 = 48, 2×4x + 2×5 = 10, 16×2=32। 3x उधर के बाकी इसको इधर कर देते, ये 10 और 32 = 42 हो जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। 4x में से 3x जाएगा x होगा, 48 में से 42 जाएगा 6 होगा, x का मान आ गया 6। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में प्रिबंध की आयु कितनी होगी, वर्तमान में प्रिबंध की आयु यही है यानी कि 2×6+5 यानी कि 12 × 5 = 17, यानी प्रिबंध की वर्तमान आयु जो होगी वो आपका 17 वर्ष होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 100 रुपया एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और 100 रुपया का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिससे 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है, तो यूजर दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाले ब्याज पहली योजना से कितना अधिक होगा। देखिए रेट क्या हो जाएगा, 10% रेट है, अगर अर्धवार्षिक हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है 5 वर्ष। अगर समय 1 साल का है तो समय कितना साल के लिए हो जाता है, 2 साल के लिए। यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है, PR² / 100² होता है। प्रिंसिपल आपका 100 दिया है, रेट आपका 5 है, 50 × 25 / 100 × 100, 20 से 20 काट दीजिए, 25 × 4, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/4 यानी कि 0.25 पैसे आ जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा, 0.25 पैसे का अंतर होगा, 25 पैसा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि ए बी और सी एक साथ कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, A+B+C एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते हैं। अगर सिर्फ ए और बी कार्य करते हैं तो उस काम को करने में 54 दिन का समय लगता है, और यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में 90 दिन का समय लगता है। अगर बी प्लस सी कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने में 90 दिन का समय लगता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उससे कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। सिंपल सा है, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, 45, 54, 90 का एलसीएम आपका हो जाएगा 270। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखें तो 45/270 यानी अगर इसकी क्षमता देखें तो आ जाएगा 6। ए प्लस बी की क्षमता देखें तो 270/54 यानी कि 5 आ जाएगा। बी प्लस सी की क्षमता देखें 270/90 यानी कि 3 आ जाएगा। हमसे किससे मतलब है, हमको बी से मतलब है,
अब देखिए यहाँ बी प्लस सी देखिए, हमको बी से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ बी प्लस सी जो है काम को कितना एफिशिएंसी से करता है, तीन से, यानी कि यहाँ पे ए का कार्य क्षमता कितना होगा, तीन होगा, ठीक है। जब ए का कार्य क्षमता तीन है और ए प्लस बी यहाँ पे पांच की एफिशिएंसी से करता है, इसका मतलब है कि अगर ए के कार्य करने की क्षमता तीन है तो बी के कार्य करने की क्षमता क्या होगी, दो होगी। सिंपल सा है। तो यहाँ दोनों ए और बी के कार्य करने की क्षमता कितना है, पांच है, और यहाँ ए का तीन है, तो बी का ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया कि इसका कार्य करने का क्षमता दो है। तो बी जो है दो के कार्य क्षमता से 270 काम को दो के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 135 दिन में इस काम को बी अकेले कर देगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि पी दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। अगर हम मान लें पी जो है एक टैंक को 15 मिनट में, क्यू जो है एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। वे दोनों खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो शुरू से कितने समय में टैंक भरता है, ठीक है। अब देखिए 15-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर पी की क्षमता देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 60/15 यानी कि 4, और क्यू की क्षमता हो जाएगी 60/20 यानी कि 3, ठीक है। अब देखिए लेकिन 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब अगर हम पी को 4 मिनट चला दें, पी जो है 4 मिनट चला दे पी को, तो ये 4 के एफिशिएंसी से चलेगा तो कितना पानी भर देगा, टंकी को भरेगा 4 × 16 यूनिट भर देगा, तो अब खाली कितना रहेगा, 10 × 6 = 4, 5 × 1 = 4। अब ये 44 यूनिट जब खाली रहेगा तो इसको कौन भरेगा, तो इसको क्यू भरेगा। क्यू जो है 44 यूनिट पानी, तीन जब हम तीन से भाग देते 14 × 3 = 42, यानी 14 मिनट तो हमारा कंफर्म हो गया, और दो यानी कह सकते हैं कि इसे 40 सेकेंड और लग जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एडी 9 घंटे में फ्रेड द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी से 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, कम दूरी तय करता है। 5 घंटे में एडी फ्रेड द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी से 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, कम। एडी के किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या हो जाएगी। अब देखिए हमने कहा एडी की चाल V1 किलोमीटर प्रति घंटा है और फ्रेडी की चाल V2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बात समझिएगा। अब एडी जो है 9 घंटे में फ्रेड द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी से कम करता है। फ्रेड का क्या चाल है, 7V2 − 9V1 = 1 किलोमीटर दूरी क्या करता है, कम करता है। दूसरा में 5 घंटे में एडी फ्रेड द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी यानी कि 4V2 − 5V1 = कितना, 2 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। कुछ नहीं, इक्वेशन आ गया, इसमें कर दीजिए 4 से, इसमें कर दीजिए 7 से गुना, इसमें कर दीजिए 4 से गुना, इक्वेशन बराबर हो जाएगा। 7 × 28 V2 − 4 × 36 V1 = 4, ये हो जाएगा 28V2 − 7 × 5 = 35 V1 = 7 × 14, घटा दीजिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये तो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का V1 − 14 × 4 = 10, यानी कि V1 का मान क्या आ गया, 10 आ गया। तो V1 का मान 10 हो गया, तो हमसे किसका चाल पूछ रहा है, एडीए का पूछ रहा था, किधर गया एडी का कितना हो जाएगा, एडी का चार V1 ही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किसान जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्री के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच के अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नाव की चाल जो होगा 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब मान लीजिए दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक
अगर ये एक बार जाइएगा एक बार आइएगा, यही दूरी है। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको अपने प्रारंभिक स्थान से वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं, आपको जाने में और आने में कितना समय लगता है? 15 घंटे लगता है। कितना घंटा लगता है? तो ये तो डी तो जाइएगा, टू डी आइएगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चार, तो दूरी क्या हो जाएगा आपका? टू डी हो जाएगा। एक बार जाइएगा एक बार आइएगा, चार आप इस चाल से जाइएगा, तो 15 + x बराबर कितना समय लगता है? 15 घंटा लगता है। बात समझ लीजिए, 15 घंटा लगता है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उसी नदी में, नदी के प्रवाह में होने पर 16 घंटा की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए आप इधर से जाइएगा तो एक तो एक तरफ जाइएगा तो आपका प्रवाह उसी तरफ होगा। बात को समझिएगा, तो नाव में सान जाल में चाल और नाव में चाल वो आपका जुड़ जाएगा, तो क्या दूरी तय कीजिएगा? डी बटा x + 15 दूरी तय कीजिएगा। ठीक है, फिर आते वक्त आपको क्या दूरी करना होगा? x + 15 माइनस उधर से जो अपोज करेगा वो आप दूरी तय कीजिएगा। कितना घंटा में? तो 16 घंटा में तय कीजिएगा। काम खत्म। ये आपका हो जाएगा डी बटा 2x + 15 x ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर इक्वेशन एक ये हो गया, एक इक्वेशन दो ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व, अब जब हमारे पास एक इक्वेशन और दो इक्वेशन यहाँ पे आ गया तो समीकरण एक और दो से आप इसका इक्वेशन जो है आप यहाँ से d का और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व कर देना है आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि a - b का होल क्यूब + b - c का होल क्यूब + c - a का होल क्यूब बटा में 3 गुना a - b, b - c और c - a का मान क्या होगा? रूट व्यंजक का मान क्या होगा यही हमसे पूछा है। सिंपल सा, अगर इस वैल्यू को आप देखेंगे, देखिए एक चीज याद रखिएगा, a³ + b³ + c³ का मान क्या होता है? 3abc होता है। ठीक है, अगर हम इस a - b को x मान लें, यहाँ लिख देते हैं, a - b को अगर x मान लें, b - c को भी x मान लें और c - a को x, y और z मान लें, तो अगर हम देखेंगे x + y + z का मान देखें तो क्या आ जाएगा? a - b + b - c + c - a, -b - ये - ये - ये - ये, यानी इन सभी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि a + b + c अगर देखिएगा तो इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला ही से होता है कि a - b का होल क्यूब b - c का होल क्यूब + c - a का होल क्यूब जो होता है ना वो आपका होता है 3a - b, b - c और c - a होता है, और नीचे 3a - b, b - c और c - a गिवन है। तो ये कट के क्या हो जाएगा? ये कट के आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस तरीके से जो होगा, मान लीजिए ये बड़ा वाला R1 होगा, छोटा वाले को हम R2 मान लेते हैं। ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? जब एक बाहरी R1 हो गया, अंदर वाला क्या हो गया? R2 हो गया। प्रश्न में हमसे बोला गया है कि बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है। वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? ये आपका होता है 2πr। यानी कि अगर बड़ा वाला का देखें तो 2πr1 बराबर 220 होगा, तो 2 से कट जाएगा ये आपका 11 बार में 110, और सॉरी पाई का मान के 22/7 गुना r1 बराबर 110, तो 22 × 5 = 110, यानी कि r1 कितना हो गया? 35 मीटर हो जाएगा। दूसरा का देखेंगे तो 2πr2 बराबर कितना दिया है? 44। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22 × 44, यानी कि ये कट जाएगा
एक बार में, और नीचे वाला सात जो था इधर आके गुना हो जाएगा, तो आर टू का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से सात मीटर आ जाएगा। बात को समझिएगा, अब कह रहा तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई ये बरका का स्क्वायर यानी कि आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7। यहाँ से हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 35, 7 क्या हो जाएगा 42, और 35 माइनस 7 ये हो जाएगा 28। ये हो जाएगा 7 चौक 28, 22 चौक 88, 88 यानी कि 3696 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 3696 मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।